तड़पण जगमुआ पंडित भया न कोई, उठाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये कबीरदास जी का लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, ओ सिया राम मैं सब जग जानी। क्योंकि प्रेम से प्रकट होते हैं, और प्रेम वो चीज है कि प्रेम हो निराला और प्रेम का निराला पंथ। प्रेम की प्रणाली एक प्रेमी खोज पाता है, और प्रेम की कहानी कहां प्रेम लो बखानी, जहां प्रेम वहां प्राणी सदा सत्य सुना जाता है। कि प्रेम ने हजारों और लाखों के बचाए प्राण, प्रेम के सहारे नर जाने कहां जाता है, और प्रेम के नचाए ब्रह्मा विष्णु शंभु नाचया, प्रेम के ही कारण देश दुनिया का नाता है। आप यहां सिर्फ प्रेम की बदौलत बैठे हैं। ये मेला क्या है? प्रेम। अगर मेले में मिलोगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा। और जो बरसों से बिछड़े अपने रिश्तेदार, अपने सगे भाई बहन, वो मिल जाते हैं। ये मेला है, पार्षद गण बैठे हैं, माननीय अध्यक्षा जी चलेंगे कहीं चलेंगे, क्योंकि ये शिकायत नहीं कर रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं। कलाकारों को कम से कम पेट भर भोजन तो मिलना चाहिए, तो नहीं मिलना चाहिए, कोई नहीं मिलूगा जी, कलाकार खा नहीं मिलूगा। अब वो खातो सो तुमने पंजाब ही भैया हो तो थाली में जितनी रोटियां थी चार रोटी से ज्यादा नहीं मिली। बता दो इससे ज्यादा मिली हो। आप लोग गए तो पंजाब होटल में, बगल में जटाशंकर तो ऊपर खाए नहीं कही, जटाशंकर पे मानत नहीं है जितनी चावल से ले लो। तुम गए थे चार ही रोटी मिली बेटा, तुम सब तुम बताओ चार ही मिली? अभी हमारी बात नहीं मान रहे, बताओ। वो हमने कही थी कलाकारों से मंच पे कहीं जा, तुमने 60 रुपया दे के भगे तुम चले गए। देखो राम सिंह एक बात बताए बेटा, चूंकि मैं तुम्हारे बाप जैसा हूं, कलाकारों को भोजन का प्रबंध नगर पालिका से कराओ, गांठ से तुम क्यों देते हो? अगर नगर पालिका ना दे, ये कलाकार सक्षम है सब देके आए अपना, लेकिन आप अपना नाम लगा लीजिए। अगर तुम नाम लगाओगे तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा, बताओ गलत क्या गलत। इसलिए आप अपना ऑर्डर दे दो, जटाशंकर होटल पर जाए सब जने, हम कह दें सब उतर पहुंचे भोजन करें, वो पैसा बाद में लड़ लें। अब तुमने पंजाब होटल, पंजाब होटल पे नहीं, वो सरदारों का होटल, सरदार पैसे का बिजनेस करता है। अगर आपके पास पैसा है तो बिजनेस है, नहीं है तो नहीं। भाई एक सरदार जी है, सोने कहूं दुकान न मिले, सोने लंदन पहुंचे भी उसे जलेबी की दुकान खोल ली उन्होंने। अब बोले मैं अंग्रेजी में ना होगा दर है, बोले राउंड राउंड स्टाफ भाई दो बजे राउंड लगाओ फिर स्टाफ। अब बच्चा निकली दुकान से होते आदमी खरीदे, एक में बाहर खड़े उसे एक जने आए, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? अरे बोले ये तो ये नहीं होगा तो जलेबी नकली है। सभी लेके आ गए, बोले इन्हें तो ये कम नहीं है, बोले डाड़ी वही में लगा दे तो बैठे रहे। सरदार अपना धंधा करता है। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगा, ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
क्योंकि ड्राइवर बनना कोई बड़ी औकात तो नहीं है, लेकिन नहीं प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ। अभी रज्जू ने जो गीत गाया ये क्या है, पति एंगर नहीं आओ पांच लड़का भो गाए कुंती खां। जब्बा राजा कुंती भोज के यहां थी तो महाराज दुर्वासा एक मंत्र सिखा गए, और दुर्वासा दे के मंत्र चले गए, क्योंकि जीवन में श्राप दिया उन्हें मंत्र, आशीर्वाद किसी को नहीं दिया, ये आशीर्वाद ही श्राप बन गया। बस सामने बैठी सो बाल खींच रही थी सवेरे से, सूरज दिखाओ सामने, सोने सोची भगवान को नाम लेके सूरज को नाम लेके मंत्र कर दें जा, सूरज आ गए दुर्गा कहें देवी के बुलाया है, हमने नहीं बुलाओ हम मंत्र पढ़ो तो बोली अगर हम ना आते तो दुर्वासा का अपमान होगा, तो बोली आप कुछ मांगो देवता देवता तब है जब दें, नहीं तो काहे की दें, तो बोली हमें कुछ नहीं जाने, बोले हमने बच्चा दो, बोली हमें कुमारे, तो बोले हम कान से अगर जो बीच में बजू बेटा, तो बोले हम कान से पैदा कर दे, सो कान से कर्ण पैदा भो, तो बोलो ले ले जा। अब कुमारी बिटिया लड़का काले फिरे सुने पत्ता पे धर के भगा दो, अंग देश के राजा ने पकड़ लो, वो ढीमर था, तो कर्ण को सब लोग क्या मानते थे, सूत पुत्र, ये कहा कभी कि ये कुंती पुत्र है, और कुंती अपने जीवन में कह पाई क्या कि तू मेरा बेटा है। प्रेम के बस अर्जुन रथ भूल गए ठकुराई, प्रेम के बस नप सेवा कीनी, प्रेम के बस सेवा कीनी, आप बने हरी नाई सबसे ऊंची सूयग युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर जब राजा बने महाभारत के बाद क्या बात, तो सलाह दी कि आप राजसूयज्ञ करो, और राजसूयज्ञ सिर्फ राजा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो बोले कर रहे, सुने राजसूयज्ञ में सबको निमंत्रण किया पूरे राज को, अब केशव कृष्ण भगवान छोटे थे, बोले केशव यहां आ, बोले बताओ महाराज क्या करना भैया, बोले हम बारी नहीं ढूंढ पाए तो हम बारी ढूंढ के लाओ कहीं से, बारी माने पत्थर उठाने वाला, तो बोले भैया हमसे बड़ा बारी कौन होगा संसार में, कृष्ण भगवान ने सारे ब्राह्मणों के पांव धोए और सबके जूठे पत्थर उठा, राजसूय युधिष्ठिर की मैं झूठ उठाई, सूरदास कह रहे हैं सूर कूर के ही लेखे माये, सूर कूर लेखे माये, किस मुख करो बढ़ाई सबसे ऊंची पे, सबसे सबसे ऊंची प्रेम ऊंची प्रेम ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम। Thank you.